अनुपुर तिवारी। जैसा कि हमने अपने पिछली क्लास में एल्गिया और अनयूजुअल हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने उसमें हैलोफिटिक और एपिफिटिक एल्गी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम अपने इस क्लास में एपिजोइक एल्गी एंड एंडोजोइक एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एपिजोइक एल्गी क्या होती है? मेनी एल्गी ग्रो ऑन लिविंग एक्वाटिक एनिमल लाइक सेल, फिशेस, टॉर्टोइस एंड दे आर नोन एज एपिजोइक एल्गी। यानी बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जो एक्वाटिक एनिमल के ऊपर ग्रो करती हैं, जैसे स्नेल के ऊपर, फिशेस के ऊपर, टॉर्टोइस के ऊपर, तो ऐसी एल्गी एपिजोइक एल्गी कहलाती है। अब इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन सेल, जो क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा है ये सेल के ऊपर ग्रो करता है। एंड स्पीशीज ऑफ स्टीगियोक्लोनियम आर फाउंड इन द गिल्स ऑफ फिशेस। जो स्टीगियोक्लोनियम होता है ये फिश के गिल्स में ग्रो करता है। स्पीशीज ऑफ कारासियोसिस एंड कारासियम आर फाउंड ऑन द लेग्स ऑफ ब्रैंचिफर्स। यानी जो स्पीशीज ऑफ कारासियोसिस एंड कारासियम होता है ये किसके लेग्स में पाया जाता है? ब्रैंचिफर्स के लेग्स में पाया जाता है। प्रोटोडर्मा एंड बेसिक लीडिया अकर ऑन द बैक ऑफ टर्टल्स। जो कछुआ होता है यानी जो टर्टल्स होता है उसके बैक पे प्रोटोडर्मा और बेसिक लीडिया पाया जाता है। आई होप आपको एपिजोइक एल्गी के बारे में समझ में आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि एपिजोइक एल्गी क्या होती है और इसके हमने कुछ एग्जांपल भी आपको दिए। एंडोजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी क्या होती है? व्हाट इज एंडोजोइक एल्गी? एंड एल्गी व्हिच अकर इन द टिश्यू ऑफ एनिमल्स आर नोन एज एंडोजोइक। यानी ऐसी एल्गी जो एनिमल के टिश्यू में पाई जाती हो, ऐसी एल्गी जो एनिमल के टिश्यू में पाई जाती हो इसे हम एंडोजोइक एल्गी कहते हैं। और इसके इसका एग्जांपल है स्पीशीज ऑफ जूक्लोरेला आर फाउंड हाइड्रावाइडिस। यानी जो स्पीशीज ऑफ जूक्लोरेला है, जूक्लोरेला जो स्पीशीज है वो हाइड्रावाइडिस के टिश्यू में पाया जाने वाली एल्गी है। बिसाइड्स सेवरल स्पीशीज ऑफ द फैमिली ऑस्टिलिटेरेसी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। यानी कुछ स्पीशीज हैं, कुछ जो ऑस्टिलिटेरेसी की कुछ इस फैमिली की कुछ स्पीशीज हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें ये कहाँ पे पाई जाती है? रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये एल्गी पाई जाती है। आई होप आप लोग ये क्लास समझ पाएंगे अच्छे से। आप लोग इस क्लास में बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।